जय श्री राम। आप सभी का LTV भक्ति चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपको बताने वाले हैं पितृ पक्ष की शुरुआत यानी कि महाभारत के सूरवीर कर्ण से पितृ पक्ष यानी श्राद्ध का क्या संबंध है, इससे जुड़ी पौराणिक कथा। इसके अलावा आपको बताएंगे पितृ पक्ष का महत्व। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पितृ पक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाता है। पितृ पक्ष यानी श्राद्ध, श्राद्ध का मतलब श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को प्रसन्न करने से है। आपको बताएं, मान्यता है कि पितरों के प्रसन्न होने से घर में सुख शांति आती है। सनातन मान्यता के अनुसार जो परिजन अपना देह त्याग कर चले गए हैं, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए सच्ची श्रद्धा के साथ जो तर्पण किया जाता है उसे श्राद्ध कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में जीव को मुक्त कर देते हैं ताकि वो परिवारजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये पितर किसको कहा जाता है, कौन कहलाते हैं पितर? तो जवाब सुनिएगा, जिस किसी के परिजन चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो, बच्चा हो या बुजुर्ग, स्त्री हो या पुरुष, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्हें ही पितर कहा जाता है। पितृ पक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाता है। पितरों के प्रसन्न होने से घर में सुख शांति आती है। अच्छा, एक और प्रश्न आएगा, जब हमें याद ना हो श्राद्ध की तिथि तो क्या करें? सुनिएगा, पितृ पक्ष में पूर्वजों का स्मरण और उनकी पूजा करने से उनकी आत्मा को तो शांति मिलती ही है। जिस तिथि पर हमारे परिजनों की मृत्यु होती है उसे श्राद्ध की तिथि कहते हैं। बहुत से लोगों को अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि जो है वो याद नहीं रहती। ऐसी स्थिति में शास्त्रों के अनुसार आश्विन अमावस्या को तर्पण किया जा सकता है, इसलिए इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। अब पितृ पक्ष की जो है पौराणिक कथा सुनिएगा, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि पितृ पक्ष क्यों मनाया जाता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि आत्मा कभी मरती नहीं, ये बस एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलती है। इसलिए आप अपने पूर्वजों को जब भी कुछ अर्पित करते हो तो वो उन्हें मिलता है। महाभारत के दानवीर कर्ण, जिनके नाम के आगे ही दानवीर था, उन्होंने पूरी उम्र बहुत दान दिया। जो भी उनसे कुछ मांगता वो उसे जरूर मिलता। कर्ण जब परलोक गए तो वहाँ उन्हें वो कुछ दुगना दिया गया जो कि उन्होंने दान किया था, लेकिन वो सब हीरे जवाहरात और सोना चांदी थे। कर्ण को अब खाने को वहाँ कुछ नहीं मिला क्योंकि उन्होंने कभी भोजन दान नहीं किया था। अब कर्ण जो है वो भूख से व्याकुल हो गए। अंत में यमराज की विनती करके धरती पर जाकर कर्ण ने फिर से दान करने की आज्ञा मांगी। यमराज ने कर्ण को 15 दिनों का वक्त दिया। कर्ण ने धरती पर आकर जमकर भोजन दान किया और श्राद्ध किया। फिर जब कर्ण परलोक वापस आए तो उनके पास खाना पहुंच चुका था। 15 दिन की इसी अवधि को पितृ पक्ष के रूप में जाना जाता है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इसलिए आपको बताएं, हिंदुओं में भोजन दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। श्राद्धों के दौरान तो गरीबों को भोजन खिलाना ही चाहिए। इसके जरिए हमारे पूर्वजों को सीधे ये, मतलब जो आप भोजन कराते हो वो सीधा हमारे पूर्वजों के पास पहुंच जाता है। कहा जाता है कि इन दिनों यमराज की आज्ञा से
आत्माएं जमीन पर आती हैं और अपने वंशजों की ओर से अर्पित किए गए भोजन का भोग करती हैं। पितृपक्ष की कैसे हुई शुरुआत, अन्य पौराणिक कथा के अनुसार बताएं आपको, एक बार दो भाई थे, जोगे और भोगे। जोगे अमीर था और भोगे गरीब। ध्यान से समझिएगा, एक बार श्राद्ध का वक्त था तो अमीर भाई की पत्नी ने उससे श्राद्ध करने को कहा, लेकिन वो इसे व्यर्थ की बात मानकर टालता रहा। ऐसा करने पर अमीर भाई की पत्नी ने सोचा, अगर श्राद्ध नहीं किया तो लोग बातें बनाएंगे, इसके लिए ऐसा करती हूँ कि अपने मायके वालों को दावत पर बुलाकर अपनी शान दिखाऊंगी। वही अमीर भाई की पत्नी ने श्राद्ध पर मदद करने के लिए गरीब भाई भोगे की पत्नी को बुला लिया। श्राद्ध का दिन आया तो भोगे की पत्नी पूरा दिन काम पर लगी रही, पूर्वजों के लिए खाना बनाना। लेकिन जैसे ही उनके पूर्वज खाने आए तो क्या देखा कि वहां पर तो अमीर भाई के ससुराल वाले खाना खा रहे हैं। अब पितर निराश हो गए तो वो गरीब भोगे के घर गए। वहां उन्होंने क्या देखा कि पितरों के नाम पर अग्यारी दी हुई है। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही चले गए। सबने आपस में बात की और कहा कि अगर भोगे अमीर होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता। पितरों को उस पर दया आई और उन्होंने कहा कि भोगे के घर धन आ जाए। शाम हो गई, गरीब भोगे के बच्चे खाना मांगने लगे, लेकिन उनके घर में कुछ नहीं था। भोगे की पत्नी ने बच्चों को टालने के लिए झूठ ही कह दिया कि बाहर हौदी के नीचे खाने को है, खा लो। बच्चे जब वहां गए तो देखा कि हौदी मोहरों से भरी हुई है। दौड़े दौड़े बच्चे माँ के पास पहुंचे और सारी बात बताई। भोगे भी अब धनी हो गया। अगले साल जब पितृपक्ष आया तो उसने अच्छे से श्राद्ध मनाया, 56 तरह के भोग लगाए और ब्राह्मणों को भी भोजन कराया। इससे पितर जो है वो बहुत खुश हुए और भोगे का धन और कुल हमेशा बढ़ता ही गया। आपको बताएं, हमारे हिंदू दर्शन के अनुसार जिस प्रकार जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, उसी प्रकार जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। एक बात आपको और बताऊं, पितृपक्ष में 3 पीढ़ियों तक के पिता पक्ष के और 3 पीढ़ियों तक के माता पक्ष के पूर्वजों के लिए तर्पण किया जाता है। आपको बताएं, शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त जो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुरूप शास्त्र विधि से श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है उसके सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। जी हाँ, और पितृपक्ष के महत्व के बारे में आपको बताएं तो पितृपक्ष में पितर संबंधित कार्य करने से व्यक्ति का जीवन खुशियों से भर जाता है। इस पक्ष में श्राद्ध तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा पितर दोष से मुक्ति के लिए भी इस पक्ष में श्राद्ध तर्पण करना बेहद शुभ होता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आगे भी ऐसे ही हम सनातन संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, पौराणिक कथाएं, कहानियां आपको मैं बताती रहूंगी। आगे के वीडियो में आपको मैं पितृपक्ष में पितरों को अंगूठे से ही क्यों पानी दिया जाता है और अनामिका उंगली में ही क्यों कुसा की अंगूठी पहनी जाती है, ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैं अगले वीडियो में आपको जल्द ही बताऊंगी। तो आज के लिए आप सबको मेरा जय जय श्री राम।